जिसका किबला एलफी वालों के साथ वायदा है, मैं मुंह बंद करके रखूं, अपने धड़कनों को संभालो, दिलों से अली न फूटे। फिर मौला ने मुझे रिस्क के लिए बता नहीं किया। उस रसूल का कहना है अली के जिक्र से जीनत अता करो, ऐसा जिक्र है तेरे मौला का जिक्र। लफ्ज क्या किबला याली याली। अली एक नहीं, अली पांच, चार इमामों में अली है, पांचवा वो अली है। अब हम दीवाने नहीं है कि मतलब मोहसिन नाम के एक ही आदमी हो पूरे मजलिस में तो मैं आवाज दूं तो एक उठे, अगर आठ दस मोहसिन नाम के हो मैं वो मोहसिन आठ दस उठ के खड़े हो जाएंगे। ठीक है, कितना क्या बात है, यही तो वजह है। मोमिन कहता है जाली मदद, अर्श वाले की मदद आ जाती है, नजफ वाले की मदद आ जाती है। मदद उसे मिले जो पुकारे, मदद उसे मिले जो पुकारे, और पुकारेगा वही जिसका शजरा बात हो। अली का जिक्र शजरे बताता है, अली का जिक्र शजरे। मौला आपको सलामत रखे, नजरे मत से महफूज रखे। मैंने किस तरफ सफर करना था किस तरफ तय कर दिया, लेकिन याद रखिए अब इसलिए बहुत बड़ा स्थान है वो किबला कराची। कितने मोमिन शहीद हुए, कोई परेशानी नहीं, अदादारी रोकोगे नहीं रुक सकती। बोलो खुदा के लिए, कहां बैठे, अदादारी रोकोगे नहीं रुकेगी। तुम एक मारोगे अदादारी बढ़ेगी, क्यों, तुम एक मारते हो कि मजलिस ना हो, वो मारोगे मजलिस उसकी चार चार आठ आठ साल में हो जाएगी, उसके सोएब की मजलिस भी होगी, उसकी चेहलम की मजलिस भी होगी, उसकी परसी की मजलिस भी होगी। तुम काटते आओगे जिक्र चलता रहेगा, लेकिन दुनिया माने ना माने, कोई बंदा चुप रह गया, कोई हाथ नीचे रह गया तो मैं मानूंगा वो इस कबीले से नहीं उस कबीले से है। अब जुमला नजर, खुदा की कसम तुम्हारी नजर कर रहा हूं, खुदा की कसम गज़वाए बदर से लेकर शोदाए बदर से लेकर शोदाए क्वेटा तक, शोदाए क्वेटा से लेकर शोदाए कराची तक कराए के कातिल भेज कर कत्ल करवाना हिंदा की पुरानी आदत है, लेकिन लेकिन अपने लहू से वुजू करके नमाज शहादत पढ़ना ये भी अली के नौकरों की पुरानी आदत है। लेकिन जो सच्चे लोगों के दर पे आ जाएगा, सच्चों के पास आ जाएगा, उसका सब बदल जाएगा। आज तक मिल्लत मुसलमान की एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अजमत रसूल किबला वो मौजू है जो हर चौराहे से बयान हुआ, लेकिन आज तक मिल्लत मुसलमान ने रसूल को डाची से नहीं उतारा। पिछले साल मैंने तकरीर के दौरान बहुत सी बातें की, लेकिन आज बात है इस चौराहे में बैठकर दुनिया को बता दूं हम रसूल को क्या समझते हैं। तुम्हारी खामोशी दलील बन जाएगी कि बस अली अली करते हैं, लेकिन एक जुमला रसूल पे कहना है। आगे मुझे बढ़ जाना, मेरे पास वक्त होता तो मैं वजाहतें करता, लेकिन मौला आपको सलामत रखे, मैं जब भाई जुमला बड़ा है, मैं दुनिया ने आज तक इनको समझा ही नहीं, इसीलिए तो कह दिया कि रसूल दुनिया में आए मेरी भाइयों की किताब में, मेरी किताब में नहीं। ठीक है, रसूल दुनिया में आए, जैसे रसूल दुनिया में आए उधर वो औरत हलीमा सादिया अपने शोहर से मशवरा करके यतीम अब्दुल्ला को लिया, हाथों पे उठाया लेके चल दी, बाकी औरतें सेहतमंद डाचियों पे सवार थी, ये कमजोर डाची पे सवार हो गई। हाय 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 हाय, ओ बोल पड़ो, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये कमजोर डाची पे किबला सवार हो गई, अच्छी अच्छी डाचियों वाली पीछे रह गई, कमजोर डाची वाली आगे चली गई। क्यों, इस डाची को पता चल गया था ये रसूल है।
बोल पढ़ो कोई कुछ नहीं कहेगा। मौला तुम्हें सलामत रखिए, मैं अपने हरफों का जामिन होकर कह रहा हूँ, जिंदा लोगों से जिंदा बातें करने का कायल हूँ। अगर जिंदा हो तो जुमला सुनना, जो अपने मुकद्दर की तरह बेदार है उसकी नजर जुमला कर रहा हूँ। पूरी तवज्जो रखिएगा दोस्तों, उधर डाची को पता चल गया ये रसूल है, और क्या है कि रसूल घर में आए, आगे कहा सम्मेलूनी खरीदो मुझे चादर दो मुझे कमली दो, मुझे मौत का यकीन हो गया। किबला उसी वक्त से चला, कमली वाले ने कहा हम कौन सा कहते हैं कि नबी के घर कमली नहीं थी। बोल पढ़ो, बोलो जिन्हें जबान मौला के सदके में मिली है, हम कौन सा कहते हैं नबी के घर कमली नहीं थी। ना 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 भाई, इनकी धड़कनों से अली ना फूटे तो फिर मौला ने मुझे रिस्केल बताने किया, कलेजों पे हाथ रख के बैठना जुमला बर्दाश्त कर सको तो मैं समझूंगा बड़े कलेजे के मालिक हो, लेकिन अली ना हो तो फिर मौला की अता का फायदा क्या है। पूरी तवज्जो मेरे जुमले पर। अजीजा ने मोहतरम किबला उसने कहा, उस वक्त से चला, कमली वाले ने कहा यही तो मिलत है मुसलमान को, हम सब चलाना चाह रहे हैं। अगर कमली वाला कहते हो तो फिर चादर वाला भी कहो। अगर या अय्युहल मुसब्बिल कुरान में है, अगर या अय्युहल मुसब्बिल कुरान में है तो या अय्युहल मुदस्सर भी तो कुरान में है ना। अगर कमली वाला कहते हो तो चादर वाला भी कहो। लेकिन यही प्लानिंग थी, यही मनसूबा बंदी थी, अगर कमली वाला कहा वहां अकेला मोहम्मद समझ में आएगा, अगर चादर वाला कह दिया वहां तो पूरे पंचतन हो गए। उनके बाजमात नारा ईसाइयों के पादरी को पता है ये नबी है। दाची कमजोर थी लेकिन रसूल बैठे सेहतमंद हो गई, किबला दौड़ने लगी, यानी दाची को पता चल गया ये रसूल है, दाची को पता चल गया ये रसूल है। किबला घर में हलीमा सादिया लेके गई, जैसे ही रसूल के कदम घर में पड़े, किबला घर में कह तारीखदारों ने लिखा कि घर में एक दरख्त था खजूर का जो खुश्क पड़ा हुआ था, जैसे ही रसूल के कदम आए और दरख्त हरा भरा भी हो गया, उस पे फल भी आ गए, यानी कि दरख्त को पता चल गया ये रसूल है। दरख्त बोला जिन्हें ज़बान मौला के सदके में मिली है, और दरख्त को पता चल गया ये रसूल है। किबला घर में एक बकरी मौजूद थी जो अरसे से दूध नहीं दे रही थी, रसूल के कदम आए बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया, यानी बकरी को पता चल गया ये रसूल है। और खुदा की कसम टूटी फूटी झोपड़ी थी आबाद हो गई, झोपड़ी को पता चल गया रसूल है। और मिल्लत मुसलमा, अब मौलवी मुझे खुद बताओ कि मोहम्मद के आने से हालात किसके बदले हैं, लंगर पानी किसको मिला है, खदीजा को, खुद खदीजा को मिला नहीं, किसको मिला, हलीमा सादिया को। खदीजा आई तो रसूल का घर आबाद हुआ, तो खदीजा आई तो रसूल की झोपड़ी किस तरह आबाद हुई। लेकिन खुदा की कसम मौलवी मोहम्मद दुश्मनी की हद नहीं हो गई, मोहम्मद के आने से हालात किसके बदले, हलीमा के। तो फिर ये ना कहो कि हलीमा ने मोहम्मद